सत श्री अकाल एवरीवन। हेलो जी, वेलकम टू आर अनदर व्लॉग। आज का हमारा प्लान है, वैसे मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और अभी प्लान कर रहा हूँ कि हम जाने वाले हैं लोनावला या खंडाला, देखते हैं रास्ते में हम कहाँ पहुँचते हैं, कितनी ट्रैफिक है। रिकी गुडू आ चुके हैं और आज हमारे साथ रहत रिदान के साथ समर भी है, जो कि मेरे भाई का बेटा है, वो भी हमारे साथ चल रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन करने वाले हैं हम। अब पहले जाएंगे हम टुवर्ड्स लोनावला निकलते हैं, पहले रास्ते में पहले खंडाला घाट आता है, अगर खंडाला घाट पे ही हम रुक गए, देखते हैं डिपेंड। अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं यहाँ के और यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है लोनावला, पहले 1.5 घंटे पे खंडाला आ जाएगा। अगर खंडाला में मज़ा आया, हम वहीं रुके तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो आगे चल के कोई रेस्टोरेंट में बैठेंगे, थोड़ा चाय पानी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, मस्ती करेंगे। हाय एवरीवन, तो कहाँ जाने का प्लान है? लोनावला की खंडाला। हम निकल चुके हैं लोनावला की तरफ, अभी देखते हैं लोनावला पहुँचते हैं कि खंडाला जाते हैं। वेयर यू ऑल वॉन्ट टू गो? खंडाला। ये कंफ्यूज है, खंडाला जाना है, टाइगर पॉइंट जाना है, लोनावला के कि कहाँ जाना है? मैक्स कैम्प। वी कांट गो टू मैक्स कैम्प नाउ, मैक्स कैम्प भी हम जरूर जाएंगे एक दिन। अभी आज की व्लॉगिंग रहत करने वाली है। आज हम 4 बच्चे हैं गाड़ी में, नहीं तो सिर्फ 3 ही होते हैं। ये बच्चे सो गए हैं अभी, निर्वाण मेरी गोदी में सोया हुआ है, रिदान वहाँ सोया हुआ है, और वो दोनों बच्चे पीछे सो नहीं रहे। हाँ, हमें लग रहा है टोटल आधा घंटा यहाँ से, और हम ऑलरेडी 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 30 किलोमीटर और जाना है हमें खंडाला पहुँचने के लिए। तो हम सोच रहे लोनावला छोड़े, खंडाला ही चलते हैं, वहाँ पे वड़ा पाव खाएंगे, चाय पियेंगे, कॉर्न भजिया मैगी खाएंगे और वहाँ के स्पेशल पेरू मिलते हैं गुआवा, वो लेकर आ जाएंगे नहीं वो एक खा भी लेंगे। तो हम पहुंच चुके अपने पहले स्टॉप, खालापुर का स्टॉप है ये, यहाँ पे फूड कोर्ट है जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी खाने की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बट हमने सोचा कि हम वहीं पे कुछ लोकल खाएंगे, जैसे पर स्पेशल मसाला मैगी मिलती है, गरम गरम मटके वाली चाय मिलती है, आपको वो भी बताऊँगा, तंदूरी चाय उसे कहते हैं। आपको क्या खाना है? मैगी और कॉर्न भजिया। हाँ, कॉर्न भजिया यहाँ का बहुत फेमस है, मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन बहुत सही बनता है। लेकिन अब यहाँ पर हम कॉर्न भजिया अभी खाएंगे, पर पहले भूख लगी है, 15 मिनट में पहुँचते हैं। मैं 4 बच्चों को ऐसे गोदी में लेके, मुझे बहुत मजा आ रहा है, लोनावला घूमने जा रहे हैं। आई एम सो कंफर्टेबल ओवर हियर, मेरी दाढ़ी खुल गई है, बट मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मुझे उम्मीद है मुझे वड़ा पाव डबल मिलेगा। लोनावला बहुत फेमस है, ये चिक्की की शॉप्स है सारी, चिक्की मतलब जो दिल्ली की पट्टी होती है उनके लिए, और मगनलाल तो यहाँ का बहुत फेमस। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं खंडाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, बस फॉग ही फॉग है हर जगह पर। बहुत अच्छा मौसम है, एकदम ठंड लग रही है, बारिश का मौसम है, तो इनको इतनी ठंड लग रही है कि इनकी जैकेटें निकल गई है बाहर, और वाकई ठंडा मौसम है। अब हम ढूंढ रहे हैं पकोड़े, यहाँ पे मिलता है कॉर्न पकोड़े, कॉर्न भजिया। देखो लोग यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं, पूरा फॉग है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे सबसे पहली दुकान दिख रही है पेरू की, और यहाँ पे वाकई बहुत अच्छे पेरू मिलते हैं, देखिए कितना बड़ा साइज है पेरू का, और पिंक कलर के पेरू अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पे आंटी के पास है भुट्टा ऑल्सो, कॉर्न छल्ली। तो हम क्या खाने लगे हैं? बच्चों को पहले भुट्टा खाना है, मुझे भी खाना है, मजा आ रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं खंडाला के घाट पर। 0 विजिबिलिटी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फॉग ही फॉग है। इतना अमेजिंग वेदर है, इतना अमेजिंग,
ठंडी है ना और ब्रीज है, मजा आ गया। मजा आ गया। और एक तो बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है ये हिल स्टेशन, और बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर खाने को मिलेंगी अभी हम दोनों को। यस, तो पहले हम जा रहे हैं, क्या क्या है पहले हम जा रहे हैं खाने कौन भजिया। यस साइड गाइस, दैट साइड, वी आर गोइंग दैट साइड, लेट्स गो दैट साइड। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ मिल रहा है मुझे लगता है भजिया और मैगी। मैगी, हाँ मैगी का मेन स्टॉल है यहाँ पर। बहुत सही टाइम पे पहुँचे हैं, यहाँ का मौसम 24/7 अच्छा ही रहता है, बट हम नसीब वाले हैं कि सनसेट के दौरान ही ये बहुत प्यारा नज़ारा दिखने में मिल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग है, और हम ये मौसम में अभी खाने लगे हैं क्या, भजिया। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम पहले कौन भजिया खाएंगे। कौन भजिया तो मैंडेटरी है यहाँ का, तो ये मौसम में तो खाना अच्छा ही लगता है। ऑल्दो ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैगी है, बर्गर्स है, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड चीज बस, एंड मैगी भी बनती है, मैगी तो बनती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कॉलेज मैगी। तो आते हम मैगी भी और कॉर्न भजिया भी। ये बन रहा है कॉर्न भजिया और ये बन के आ गया है हमारी प्लेट में कॉर्न भजिया रेडी। खा के बताओ कैसा लगा कॉर्न भजिया, बहुत टेस्टी है ना। इसके बाद अभी आएगा, मैंने बोला है गरम गरम चाय बन रही है और यहाँ बन रही है मैगी बच्चों के लिए, मसाला हमारे लिए मसाला मैगी सब्जियाँ वाली, और ये बन रही है बच्चों के लिए प्लेन मैगी। आपको कैसा लगा भजिया? बहुत बढ़िया है, ये मौसम में तो खा के तो मज़ा ही बहुत और ही कुछ खिलखिला है, वो अच्छा है। सॉरी, आपको कैसा लगा भजिया? बहुत यम। मैगी गरम गरम, बहुत गरम है। मैगी किड्स, ये है लोनावला की फेमस चिक्की। यहाँ पे वैरायटी ऑफ चिक्कीज अवेलेबल हैं, जैसे कोकोनट चिक्की, असॉर्टेड चिक्की, ग्राउंडनट चिक्की, होल ग्राउंड चिक्की। मंगललाल यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रांड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फज भी मिलता है, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। प्लेन चॉकलेट फज, चॉकलेट फज, चॉकलेट वॉलनट फज, स्ट्रॉबेरी फज, बहुत तरह तरह के यहाँ पे फज मिलेंगे आपको, और सिरप्स भी मिलते हैं। मैगी खाली, अब वड़ा पाव की वेट हो रही है, और गरम गरम चाय की, आई होप चाय टेस्टी और मीठा का। हमने एक प्लेट और बोली है कौन भजिएगी, और आपके पीछे चाय बन रही है, ये बन रही है चाय, ये भजिए डाल रहे हैं गरम गरम चाय। भाई वड़ा पाव रेडी हुआ क्या? वड़ा पाव भी रेडी है। वड़ा पाव और चाय कैसे लगेगा आपको? सुपर कॉम्बिनेशन। आप खाते हो वड़ा पाव और चाय? वड़ा पाव और चाय बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ कैमल राइड भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वड़ा पाव और चाय, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। धुआं निकल रहा है वड़ा पाव में से, सी वो गरम गरम है। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत मजा आया। ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स का मजा ही कुछ और है, अचानक बैठे बैठे प्लान बनाओ और निकल चलो गाड़ी लेकर। हम गए, प्लान तो लोनावला का था लेकिन खंडाला गए, खंडाला में हमने खाई मैगी वड़ा पाव। इट वॉज फार, लिटल फार, लोनावला वॉज लाइक अनदर हाफ एन आवर अहेड ऑफ, या सो बिकॉज ऑफ फॉग ऑल्सो द विजन वॉज नॉट क्लियर, वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली, इसीलिए हम ज्यादा आगे नहीं गए। तो डेफिनेटली विल गो नेक्स्ट टाइम। अच्छा चलो, ये तो सफर अच्छा रहा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना, एंड कीप फॉलोइंग द चैटी फैम ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाय, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग।